30 पर पर्सन, 2% 30, 2% 30, 115 ईच. व्हाट? काम नवू, इधर से नहीं है, इधर से. ओए स्वान, अंकल कहाँ गए ऑटो वाले? इधर नहीं जाना, इधर जाना. थोड़े सामने ये नहाने के लिए होता होगा, बाथिंग एरिया. ये वो रहा जो हमने नीचे से देखा था. ये चेंजिंग रूम होगा, ड्रेस. चलो वो अंदर जा, फोटो खिंचा ले जा. कैप्टन, कैप्टन, शिप, शिप, डेंजर हो रहा है. कैप्टन, हेलो कैप्टन, 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 मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा. कैप्टन, कैप्टन, उसको इधर सोने के लिए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए, यहाँ पे रखते हैं उसको. चलो. उए, ये क्या है? उए, ये कैप्टन का कैबिन याद है वहां पे? अरे भैया, अरे भैया, अरे भाई, इतने छोटे शिप में ए भाई कैसे रहते थे? देख के चलो. अरे भाई, आर्मी, इंडियन नेवी, हाउ टू मैनेज? हैट्स ऑफ टू यू. इंडियन नेवी, यस, इंडियन नेवी. ये कैबिन में कैप्टन बैठते हैं और यहाँ से वो जो है सारे वर्क करते हैं, सोते भी यहीं पे हैं. और ये एमसीओ ऑफिस कैबिन, ऑफिसर्स कैबिन, ये भी है कैबिन. ऑफिसर्स कैबिन में वो है ओली, और ये पूरा कंफर्ट जोन किसका? कैप्टन. यहाँ से बॉम्ब गिरते हैं ना, वो मिसाइल, यहाँ से मिसाइल्स दागे जाते हैं. हाँ चलो, तो फिर करो दागो फिर तुम भी मिसाइल. ये देखो कितने सारे मिसाइल्स हैं. ये देखो भाई, ये तो जंग वंग सिखा रखा है. स्मेल अजीब सी आ रही है, लोगों को पकड़ लो तुम पहले. मैं मुझे भी कह रही हूँ. कम कम कम, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. ये इसको देख के डर गई, ले लो उसे. अरे मेरा बेटे, अरे मेरा बेटा, कुछ नहीं हो रहा. एसी देखो, एसी भी गर्म हो रहा है. ये है सारा सिस्टम है ना. ये मुझे बहुत पुरानी शिप है. कूलिंग, ये देखो ऊपर भी वो बना, ऊपर भी है वो, जहाँ से कूद के आए थे वो दोनों इस मूवी में. मशीनरी, स्ट्रेट बोर्ड, क्या ये लोग कहाँ पे हैं? शिप में, ऑक्सीजन सिलेंडर. ये गैस सिलेंडर होते भी लव को सब समझ आ रहा है. लव के लिए तो आए हम बेसिकली यहाँ पे. हेलो कैप्टन, हेलो कैप्टन, हेलो कैप्टन, 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 द शिप इज राइट ऑन द वे. पूछो ना लव, शिप कैप्टन से पूछो, नहीं तो हम डूब जाएंगे. से बाय टू कैप्टन अंकल, बाय. लबू देखो, इधर देखो, फ्रंट देखो. भूख लग रही है बहुत जोर से. ये भूख लगते हुए प्राणी, चलो. ये भूख लगते हुए प्राणी और गर्मी लगते हुए प्राणी और हमारी जान सूखते हुए यहाँ से उतरते हुए. और मैं डर गई कि सामने कौन खड़ा है. वही कैप्टन जिससे अभी सर ने मुलाकात की थी. मम्मा तो उतर जाए पहले. पकड़ इसको, बंद कर.
भाई अभी तो हमने खाया भी नहीं है। चॉकलेट गिर गया, कोई बात नहीं। अब बोलो जल्दी से वाओ, बोलो कोई बात नहीं, बोलो वाओ। उससे पहले वाला कुछ पता होगा? अभी है सर, काली मत आइलैंड विजिट है सर। उसमें क्या होगा? उसमें काली मत आइलैंड है सर, आइलैंड पे एक मंदिर है सर। अच्छा, वो आपको देखने में मिलेगा। वो एक आइलैंड है सर। तो ये ऑटो वाला भी तो कह रहा था काली माता मंदिर लेके जाएगा। ऑटो वाला मैं आपको लेके जाऊंगा। नहीं, ऑटो वाला भी तो लेके जा रहा था, तो ये दूसरा रास्ता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं उसके पास, चले जाओ देखो उसे, काली रिवर, काली रिवर गार्डन। और इसका जो टिकट प्राइस है वो कितना है? काली रिवर का टिकट प्राइस कितना है? 15 rupees है पर पर्सन, और बच्चों का 3+ से काउंट ऑन होता है। लावण्या अभी 3 नहीं है तो उसके पैसे नहीं लगे। और वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शो यू, जो ये सामने आप बोट देख रहे हैं, ये बोट जाती है वो आइलैंड पे, वो सामने जो आपको आइलैंड दिख रहा है, और उसका प्राइस है 2250। और अगर पर्सन हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो शेयर हो जाता है, अदरवाइज़ आपको पर्टिकुलरली 2250 ही देना पड़ता है पेमेंट। और जो मैं पीछे आपको आइलैंड बता रही हूँ, एक वो है यहाँ पर, और एक गार्डन और बोल रहे थे भैया, बट लेट्स सी कि हम वहाँ विज़िट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मेजर टूरिस्ट प्लेसेस में से जो हमने कवर करी है वो कवर हो चुकी है। और अब हम आपको मिलते हैं लावण्या की थोड़ी सी मस्ती दिखाने के बाद। जंप जंप जंप। मेरे को भी गीला कर दिया। और अगर मेरे अकॉर्डिंग आप दिन में घूम सकते हो, टेम्परेचर को बेयर कर सकते हो, गर्मी को बेयर कर सकते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग वन डे इज मोर देन सफिशिएंट है। वन डे भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, हाफ डे भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पे 5 प्लेसेस ही है मेजर विजिट करने के लिए, बाकी तो जितना प्लेस बनाना चाहो बन जाती है। ये लो अपना स्पेक्स लगा लो और व्लॉग तो बनाओ, सबको बताओ ना कहाँ पर आए हो आप। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि सहन नहीं हो सकता। तो फिर तुम कैसे खड़े अभी थे? थोड़ी फिर पहले दो जगह जब घूमा मैं, जब शिप से मैं उतरा तो मुझे लगा मेरा बीपी डाउन हो गया है। हालांकि मुझे बीपी की, शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लगा, इसीलिए मैंने तुरंत जाके पहले वाटर पिया फिर खाना खाया। अब जाके एनर्जी आई है, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, बहुत गर्मी है। यहाँ पे घूमने के लिए जब भी आए, दो दिन लेकर आए, ताकि दो दिन में आराम से शाम को निकलें और सुबह सुबह निकलें, धूप दोपहर में आराम से सोएं, और रूम लें विदेशी होटल वाले से पता कर लें कि एसी है नॉन एसी, क्योंकि वो बाद में बोलता है सर एसी ख़राब है, ये है वो है, तो ठीक से क्लियर करके ही यहाँ पे रूम ले। सबसे पहले जैसा कि सर ने बोला कि अगर आप कारवार में आते हैं तो आपको 2 days का प्लान लेके चलना चाहिए, बट रियलिटी इज़ दैट कि हमारा कारवार में स्टे का या घूमने का कोई प्लान ही नहीं था, बट क्योंकि गोकर्णा जाने का हमारा प्लान था, और गोकर्णा में बेसिकली जो रूम है जो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग थे वो अराउंड 2 PM उसका चेक इन था, और हमारी ट्रेन थी सुबह की 8 o'clock उसे पहुंचना था, वैसे हम 8:30 पे पहुंचे थे, तो दैट्स वाई हमने अपना प्लान चेंज किया कि क्योंकि गोकर्णा से जो यहाँ का डिस्टेंस था, कारवार से गोकर्णा का डिस्टेंस वो अराउंड 1:30 ही है, 1 hour and 30 minutes, तो हमारा वेस्टेज ऑफ डे होता। दैट्स वाई हमने
स्टे किया डे के लिए, और उसके बाद का आगे का प्लान आपको पता चली जाएगा कि हम गोकर्ण जा रहे हैं या मुरुडेश्वर जा रहे हैं या उसके नियर अबाउट कैसे कैसे हमारा आगे का प्लान है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अगर आपको हमारा कारवार का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपके कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव अगर कारवार जाने का प्लान कर रहे हैं या कर्नाटका साइड, तो आप उनको ये वीडियोस रिकमेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।